नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। आदाब नाजरीन, मैं मुजाहिद खान बीटीएस न्यूज से। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पीपीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान साहब के साथ में, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं और जिनका एक हैदराबाद में बड़ा नाम है। हम बात करेंगे उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में, जो कि तीन दिन से ऐसा एक वीडियो चल रहा है जो इसका डिमोलिशन के इशू एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। आइए बात करते हैं उस्मान मोहम्मद खान साहब से। सब बताएं, ये दो दिन से वीडियो चल रहा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, बहुत एक तारीखी है जगह, वो तारीखी हॉस्पिटल है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया को मालूम है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एक अपनी पहचान रखता है और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल 1908 में तामीर हुआ, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ उसको 108 साल कुछ हुए। उससे पहले तोमियानी के टाइम पे वो अफजलगंज हॉस्पिटल हुआ होता है। उस्मानिया हॉस्पिटल इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें 9 ऑपरेशन थिएटर्स है, 1,165 बेड्स है और उस्मानिया हॉस्पिटल में हज़ारों लोग का इलाज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको तामीर किया था मीर उस्मान अली खान बहादुर सातवें निज़ाम ने। और सबसे बेहतर ये है कि ये एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, हैदराबाद का एक ये ज्वेल है और हैदराबाद की पहचान है उस्मानिया हॉस्पिटल। अगर हम इस पहचान को मिटा दें तो हिस्ट्री क्या बताएंगे आप? दूसरी चीज़ ये है कि हम आपके डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाह रहे। आप बिल्कुल, आप 1,000 करोड़ की लागत से बराबर बनाइए। उस्मानिया के अतराफ में काफ़ी जगह है और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इसके लिए हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि 137 हेरिटेज जो है बचे हुए है अभी, उसको हाथ लगाना नहीं है। तो हुकूमत को बेहतर मालूम है ये चीज़ नहीं करना है। और उस्मानिया हॉस्पिटल, जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने MLAs, MLCs, कॉरपोरेटर्स को लेके उस्मानिया हॉस्पिटल गए और बोले कि उस्मानिया हॉस्पिटल की आप बिल्डिंग डेमोलिश कर दो, हमको मतलब नहीं। वही असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रीवियस, आप 1-2 साल पहले का आप देखिए, जब 2015 में के चंद्रशेखर राव गए थे, उसके जब वक्त बोले आप, ये नहीं, हमारी नाक है, ये हैदराबाद की पहचान है, इसको नहीं तोड़ना। ऐसा 2 से 3 साल में क्या हो गया जो KCR साहब चाह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। तो लिहाजा इसकी 2015 में जब KCR साहब इसको डेमोलिश करते बोले थे, तो इसको इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज वालों ने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट दी। ये देख सकते हैं आप लोग रिपोर्ट, ये मेरी आपके लिए है, ये रिपोर्ट 2015 में इसके स्ट्रक्चर की रिपोर्ट दिए और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ये उस्मानिया हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, 21 पेज की रिपोर्ट है। मैं जितने भी जर्नलिस्ट हैं मेरे से ले सकते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है। इसमें खुला लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दिस कोएलिशन न्यूज रिगार्डिंग तेलंगाना गवर्नमेंट इनिशिएटिंग टू डेमोलिश द हिस्टोरिकल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल बिल्डिंग एट हैदराबाद, ए टेक्निकल इंस्पेक्शन वॉज मेड ऑफ दिस लैंड ग्रेड 2 हेरिटेज स्ट्रक्चर ऑन 2nd and 3rd August 2015। अब इसकी इंस्पेक्शन की टीम है पूरी, आर्कोलॉजी के है लोग इसमें, इंजीनियर्स है और आपके इंटैक्ट के लोग है पूरे, ये लोग सर्वे करे। इसके मेरे पास 300 फोटोज है, क्लोजअप फोटोज उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। मैं मेन चीज आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। द रिपोर्ट है ये, द एग्जिस्टिंग हेरिटेज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल इज इन वेरी गुड स्ट्रक्चरली स्टेबल कंडीशन। इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छी है और बहुत मजबूत कंडीशन में है, विदाउट एनी थ्रेट टू इट्स ओन लाइफ, उस्मानिया की लाइफ, बिल्डिंग की लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टू डेट ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, वहां के पेशेंट्स वगैरह बिल्डिंग को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइडिंग इमीडिएटली स्टेप और इनिशिएट टू रिपेयर एंड रिस्टोर द स्ट्रक्चर एंड इंश्योर रेगुलर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस। इसको रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए और इनिशियली इसको इमीडिएटली काम करना चाहिए। उसके बाद सेकंड लाइन लिखी हुई है, ऑल डैमेजेस ऑब्जर्व आर मोस्टली ऑन द सरफेस ऑफ द बिल्डिंग। जितने भी डैमेजेस है, जो खिपले निकल गए, जो ऊपर से जो मलबा जो गिर रहा बता रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ उसके
खिपलियां है, हमारे भी घर में गिरते हैं, आपके भी घर में गिरते हैं। इसको रिपेयर नहीं करें, इसको नजरअंदाज कर दिए, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद थर्ड लाइन निकल, आर विद इन द प्रीव्यू ऑफ रिपेयरबिलिटी, रिपेयर होने वाले हैं, एंड आर कॉज मेनली ड्यू टू द पुअर मेंटेनेंस एंड लीकेज पाइपिंग, जो पाइपिंग लीकेज है ये उसके मेंटेनेंस से। तो ये मनसूबा बंद उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को गिराने के लिए हैदराबादी कहावत में है, डट्टे लगा दे रहे हैं इसके परनालों पे और पानी जमा हो जा रहा। एक बार पानी उस्मानिया में से आया, थोड़ा सा जब पानी आया शहर में तो उस्मानिया में से आया, जब जाके हम उसके छतों को देखे, वहां पे क्लीनिंग करवाए, फिर वापस उससे ज्यादा तेज पानी आया, पूरा पुराना शहर डूब गया, लेकिन उस्मानिया में एक खतरा पानी जमा नहीं हुआ। तो लिहाजा ये मनसूबा बंद कर रहे हैं उस्मानिया के। आप देख सकते हैं, क्या हमारे कैमरामैन को आप ये पेपर बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कैमरामैन मोहम्मद भाई देखेंगे इसको, कैमरे पे करा लीजिए। मैं ये रिपोर्ट भी दूंगा, ये मैं पब्लिक में भी पब्लिश करूंगा इसकी रिपोर्ट। ये उस्मानिया के मेरे पास सबों के फोटोज है, स्ट्रक्चर के, छत के, हर एक पार्ट की, हर एक गुम्बद की इसकी फोटोज है, ये रिपेयरेबल। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हाईकोर्ट है हमारे लिए और हाईकोर्ट की वर्डिंग है 137, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को नहीं लगाना है। अगर आज हम उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के लिए खामोश बैठ जाते हैं, जैसा हम सेक्रेटरीट के लिए खामोश बैठे, उसमें एक निज़ाम की महबूब अली बादशाह की बेगम की हवेली थी, बहुत खूबसूरत थी, उसको अतराफ छोड़ दिए थे, उसको तोड़ दिया गया, सेक्रेटरीट के पुराने मसाजिद, सेक्रेटरीट निज़ाम का बनाया हुआ सेक्रेटरीट, उसको मुनद्दम कर दिया गया। उसके बाद आपके इरम मंजिल की तरफ अपना सेक्रेटरीट का स्टेप रखने गए थे केसीआर साहब, इरम मंजिल का भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन इरम मंजिल भी रुक गई। मैं उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ साथ दिए इरम मंजिल के लिए, जो केस लड़े, उनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अगर हम इसको अलाउ कर देंगे, एक बार इन्हों किंग कोटी पैलेस भी गए थे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जी, इरादे समझ में नहीं आ रहे, जितने निज़ाम की जगह है बराबर जा रहे हैं आप, असेंबली भी वीक हो गई, डिलैबरेटेड हो गई, असेंबली भी चेंज करना है, बल्कि आप असेंबली नहीं बना रहे, सेक्रेटरीट नया बना रहे। ये जबकि हैदराबाद का एक, अगर सुनिए, अगर आज हम उस्मानिया के लिए खामोश बैठ जाएंगे और उस्मानिया की तारीफ मिटा दिया जाएगा, तो कल सिटी कॉलेज पे जाएंगे, उसके बाद पुरानी हवेली पे जाएंगे ये, उसके बाद महबूबिया कॉलेज पे जाएंगे ये, उसके बाद वारंगल जैसा जेल तोड़ दिए। आप देखिए, उस्मानिया जब बना था, HPS भी जब ही बना था, आज हैदराबाद पब्लिक स्कूल सबसे खूबसूरत इमारत है, क्योंकि दे मेंटेन वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। तो उस्मानिया को भी इंशाल्लाह हम आगा खान ट्रस्ट से रुजू होंगे, आगा खान ट्रस्ट का भी एक इंक्वायरी करेंगे। मैं तो आपको बता दिया, सीधा सीधा यहाँ पे बता दिया मैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इनकी रिपोर्ट है, जो हेरिटेजों का ख्याल करते हैं इंडिया लेवल पे, ये उनकी रिपोर्ट है, ये मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है। वो बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और इसके फोटोज भी मैं अपलोड करूंगा और मैं मीडिया वालों को बोलूंगा, लेकिन इसकी HD फाइल है, आप लोग मेरे से ले सकते हैं, पूरी PDF दूंगा आप लोगों को, कितने खूबसूरत स्ट्रक्चर है, छत से लेके हर चीज का। तो ये रिपेयरेबल है, इसको रिपेयर करना चाहिए, यानी कि बिल्डिंग पूरी मजबूत है, बहुत मजबूत, कहीं से कोई कमी नहीं है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, सिर्फ ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है उसको प्लास्टर करना जरूरी है। और आज उस्मानिया को कई दिनों से कोई मेंटेन नहीं करा, और मैं आपको बोलूंगा कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी पार्टी 63 ईयर्स से है, कभी आज तक MLA लैड में या MP लैड में 2 रुपए दिए आप? कभी 2 रुपए उस्मानिया को मेंटेनेंस के लिए नहीं दिए? कभी 20 साल में आप MP बने, कभी एक बार विजिट नहीं करे आप? कोविड के फर्स्ट वेव में भी विजिट नहीं करे आप, कोविड के सेकेंड वेव में भी विजिट नहीं करे आप, थर्ड वेव में सीधा आके आप बोल दिए कि तोड़ दो। हैदराबाद में काफी जगह है, उस जगह पे बन सकता, जैसा हम LNT को जगह दे रहे हैं, LNT नहीं बना रही क्या 1 करोड़ पे? LNT के लिए जब हमारे लिए मेट्रो के लिए, LNT के स्टेशन के लिए जगह निकल रही है, तो हॉस्पिटल के लिए नहीं निकल सकती? इसका जो आसपास का पुराना स्ट्रक्चर है उसको छोड़ देना, और जो सामने की नई बिल्डिंग है, देखिए विक्टोरिया प्लेग्राउंड का भी एक लॉ था, विक्टोरिया प्लेग्राउंड में कुछ बनाने थे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस टाइम पे ऑर्डर दी थी कि प्लेग्राउंड में भी कुछ नहीं बनाना, क्योंकि ये हेरिटेज है। तो मेरे जितनी नॉलेज है, हेरिटेज के प्लेग्राउंड पे भी कुछ नहीं बना सकते आप, हेरिटेज की जो ग्राउंड है उस पर भी कुछ नहीं बना सकते। तो मेरा कोई पार्टी से मुखालिफत या कुछ नहीं है, मेरा मंशा ये है कि मैं प्योर हैदराबादी हूँ, और मैं मेरे हैदराबाद की तहजीब को, और मैं मेरे यहाँ के लास्ट निज़ाम मीर उस्मान अली खान की जितनी भी चीज़ें थी, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, मैं उनकी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, मैं उनकी
ये तमाम चीजों को रायगा जाने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जितनी हमारे से कोशिश है जरूर करेंगे हम, और आवाम को भी शऊर लाना जरूरी है। आप अपने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, पेजेस पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे उस्मानिया की फोटो रखिए, ये हमारी पहचान है उस्मानिया हॉस्पिटल। आज मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग हैं जो उस्मानिया के लिए मेरे साथ साथ दे रहे हैं, और एडवोकेट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, हम हाईकोर्ट अप्रोच होंगे, बिल्कुल हाईकोर्ट का तो ऑर्डर है, उसके बाद जो बेहतरीन कदम होता बराबर करेंगे, इसको रिपेयर करवाने के लिए लगाएंगे हम। कोई आपको नहीं बोल रहे कि हॉस्पिटल मत बनाओ, आप बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल बना सकते हैं। आप हैदराबाद में देखिए कितने बड़े बड़े पुरानी इमारत ही होती है, वो इंजीनियरिंग नहीं ला सकते हैं। सालार जंग म्यूजियम का डोम देख लीजिए आप, उसकी गोलाई देख लीजिए, कंपेयर करिए आप हाईकोर्ट से, उस्मानिया हॉस्पिटल से, HPS से, महबूबिया से, ये बिल्कुल वो चीज नहीं ला सकते हैं। और KCR साहब, आप तो स्ट्रक्चर, आप सेक्रेटरीट का स्ट्रक्चर पूरा उस्मानिया के जैसा, हाईकोर्ट के जैसा पूरा फिगर बताए, फिर अच्छा स्ट्रक्चर आप क्यों तोड़े भाई? आपको निजाम से ऐसी क्या दुश्मनी है आप जो निजाम की हर चीज मिटाना चाहें? तो ये तारीखी चीजों से क्या ऐसी ये चीज हो गई, तो हिंदुस्तान की पहचान है, हमारे हैदराबाद की पहचान है, तेलंगाना स्टेट की पहचान है, तो ऐसी तारीखी चीजों से क्या है? ये तारीखी चीजों को अगर कर देंगे तो हैदराबाद कहीं हद तक उसमें अच्छा नहीं रहेगा हैदराबाद के लिए। देखिए अब हमारे पास कोई निजाम पैदा होते या नहीं होते अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन इतनी दयानतदारी ईमानदारी से हुकूमत चलाने वाला हुक्मरान, जो हिंदुओं को अपनी एक आंख और मुसलमानों को अपनी एक आंख बोलने वाला सेकुलर निज़ाम, जो इस मुल्क के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए 5000 टन सोना देने वाला निज़ाम, उनकी चीज़ को अपन फरामोश नहीं कर सकते। आप उनकी कोई चीज़ को फरामोश नहीं कर सकते। आज फलकनुमा पैलेस है, आपके पास कोई वैसी 7-स्टार होटल है नहीं? वो भी उनकी बनाई हुई है। बेगमपेट एयरपोर्ट उन्हीं का दिया हुआ है, गंडीपेट उन्हीं का दिया हुआ है, मोसी रिवर उन्हीं का दिया हुआ है, ओल्ड सिटी की ड्रेनेज लाइन आज भी उन्हीं की दी हुई है। ये तमाम चीज जो भी है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हमारे पास आई सर। तो जो एक मुल्क का बादशाह है, जो एक दक्कन स्टेट का किंग था, वो अपने लिए हर वो अच्छी चीज करके गया, अगर हम उसके लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा आपका इतिहास कल क्या रहेगा? ये वो निजाम थे जिसके प्राइम मिनिस्टर महाराजा कृष्ण प्रसाद थे। तो सर आप इसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप ऐसा क्या लेंगे जो कि बहुत कारगर हो, जो इस चीज को रोक सके, तारीखी चीजों को नुकसान ना हो? हम आवाम को बताएंगे कि हमारे पास इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज की रिपोर्ट है कि उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल मजबूत है, और हम इसके लिए बिल भी फाइल करेंगे, और हम इसके लिए कोर्ट ही हमारे लिए दरवाजा है, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोर्ट का दरवाजा रहता है दुनिया में। तो हम बिल्कुल अप्रोच होंगे और आवाम में अवेयरनेस डालेंगे, और मैं खुद भी देख रहा हूं कि हर किसी में एक बेचैनी है। जितने भी मेरे फेसबुक ट्विटर के जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी मेरे भाई लोग है, जितने भी चाहने वाले हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब है, सबको उतनी फिक्र है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे जितने हिंदू भाई भी है वो भी बहुत अफसोस जता रहे हैं, और मेरे साथ आगे बढ़ के वही आ रहे हैं, वही वकील हैं मेरे, वही लोग हाईकोर्ट को जा रहे हैं, वही कोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे बोल रहे हैं, वही लोग रिपोर्ट्स बनवा रहे हैं। तो हम लोग आगा खान ट्रस्ट को भी अप्रोच करेंगे, उससे भी इंस्पेक्शन करवाएंगे, और बराबर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के लिए और इस बिल्डिंग के लिए हम बराबर जद्दोजहद करेंगे। अच्छा, एक रोड वाइंडिंग में एक खाना मस्जिद जो कि पुराने शहर में है, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आप कुछ इस चीज़ के लिए भी बोलिए, पूछिए कि वो अभी तक जो बनी नहीं है, डिमोलिश की गई है, शहीद की गई है वो मस्जिद। देखिए हुकूमत अगर चलाना है तो दिलों पर राज करना पड़ता है बेशक, और हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब सिर्फ हमको दिलों पे जर्फ दे रहे हैं, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं। हैदराबाद में एक खाना नहीं, 6 मस्जिद शहीद हुई, सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद है, मस्जिद एक खाना एक है, आपके जिललगुड़े में एक मस्जिद है, बालापुर में एक मस्जिद है, खम्भम में एक मस्जिद है, 6 मस्जिद जिस पे मैंने FIR बुक करवाया। लोग 1-2 मस्जिद बोलते होंगे, मैं जाके उस मलबों को देखा हुआ। तो ये मस्जिद तोड़ते हैं, ये छिल्ले तोड़ते हैं, ये डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी करते हैं, जबकि एक सेक्रेटरीट में होम मिनिस्टर हमको तयखून दिए कि कुछ डिब्रेज गिरा और वहाँ पे पूरी मस्जिद जमीन दोज हो गई, आप पूरे मीडिया वाले जाके देखें।
बहरहाल मस्जिद दफ्तियार और मस्जिद हाशमी के इनॉग्रेशन बोल रहे हैं, इनॉग्रेशन नहीं होता, वो तामीर नौ बोलते हैं, मैं ना फाउंडेशन स्टोन बोलूँगा जी, तामीर नौ, आपने जो हमारी मस्जिद को ढाया, आपने जो हमारी मस्जिद के साथ बदतमीजी की, शहीद की, उसको आप रिपेयर कर रहे हैं, तामीर नौ है, तो अभी तक भी उसका नहीं हुआ। बहरहाल इनका वक्त तो, इनका टाइम तो अभी आने वाला है, आवाम बताएंगी इनको, इनको बताएंगी, इनके ड्राइवर को, दोनों को बताएंगी। तो नाज़रीन ये थे उस्मान मोहम्मद ख़ान, जिन्होंने बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बातें कही उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में और तारीख़ी चीज़ों के बारे में। डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, कोई भी नहीं रोकता, लेकिन तारीख़ी चीज़ों को हटा के डेवलपमेंट होना ये हमारे तारीख के लिए भी अच्छा नहीं है, आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, आगे हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ से सिर्फ हैदराबाद की तारीखी चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, उसमें से एक उस्मानिया हॉस्पिटल भी है और दूसरी मसाजिदें भी हैं जो हमारी पुरानी हैं, जिनको अली सेक्रेटरेट जैसे शहीद किया गया। तो ये चीज़ों के लिए आवाम से गुजारिश है कि वो अपनी राय दें, शेयर करें और इस चीज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, देखें आप ये चीज़ों को। और मैं मुजाहिद खान, BTS न्यूज़ से, जय हिंद, जय तेलंगाना। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए BTS न्यूज़। जय हिंद।